इस्लाम आबाद रहे हैं लाहौरी मटन कढ़ाई के लिए। यहाँ पे मैं कढ़ाई में सबसे पहले डालूंगी एक गिलास पानी, साथ इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक पेस्ट। और यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो मटन है, ये इसमें चला जाएगा। साथ ही इसमें मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें चले जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून नमक। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे। इसे 25 मिनट हो गए, इसी तरह मैंने इसको कवर कर दिया था लो फ्लेम पे। अभी ये गोश्त हमारा नहीं गला, इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट और रखूंगी, तकरीबन ये 1 घंटे में ये गोश्त गलेगा, उतनी देर तक इसको हम गलने के लिए ऊपर रख देंगे। इसको 40 से 45 मिनट हो गए, इसी तरह मैं इसके ऊपर कवर करके इसको गलने के लिए रख दिया था। गोश्त को मैंने काफ़ी हद तक गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, ये इसमें चला जाएगा। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। मसाले डालने के बाद इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें जाएगा 1/2 कप घी, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, इसके बाद इसमें हम 1 कप दही शामिल करेंगे और साथ इसमें डाल दूंगी 1 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब ये इसमें आँच को मैं कम कर दूंगी ताकि दही जो है वो फटे नहीं। अब इसमें दही शामिल कर देंगे, अब अच्छी तरह मिक्स करके साथ ही चूल्हे की आंच में तेज़ कर दूंगी थोड़ी, और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब दही डाल के इसको मैं इतना भूनूंगी कि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आंच मैंने इसकी लो टू मीडियम के दरमियान में रखी हुई है। इसको दही डाल के मैंने इतना भुना कि देखें साइडों में ये घी नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें कटी हरी मिर्च मैं डालूंगी 2 से 3, कुछ अदरक जाएगी इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको फिर मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह भूनूंगी। नमक आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, अगर नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको मैं डिश आउट करूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी कटी अदरक डालूंगी गार्निश के लिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये डिश हमारी बिल्कुल तैयार है, लाहौरी मटन कढ़ाई जो बहुत ही मज़े की यम्मी और टेस्टी बनी है। अगर आपको ये मेरी लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।